जिला अपराध निरोधक कमेटी के तत्वावधान में बैंक रोड स्थित एक निजी होटल में समीक्षा बैठक व प्रेस वार्ता की गई, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के अपराध निरोधक समिति के प्रधान सचिव कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि विगत वर्षों से कुछ विरोधी तत्वों द्वारा अवसरवादी नीति के अंतर्गत विभिन्न जिलों में अपराध निरोधक समिति के नियमावली के विपरीत अपने अलग स्तर पर अलग संगठन कर लिया था, जिससे भ्रम की स्थिति हो गई थी। इससे संबंधित एक वाद उच्च न्यायालय में दाखिल था तथा 22 जुलाई को अंतिम निर्णय आया, जिसमें नई संस्था को खारिज करते हुए पुरानी एवं मूल संस्था को कायम रखने का न्यायालय ने आदेश दिया है। हमारी कमेटी कार्य लगातार कर रही है, कहीं पर भी किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न हो, इस संबंध में यह प्रेस वार्ता की गई है। उन्होंने कहा कि जिला अपराध निरोधक कमेटी जेल के अंदर कैदियों के बीच में जाकर उनको उत्साहित करके उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है। इस अवसर पर समिति के सचिव डॉक्टर हरीश शंकर श्रीवास्तव, इंदर सिंह, डॉक्टर के पांडे, के गुप्ता, विनय गुप्ता, अंगद सिंह, राजकुमार यादव, शशिधर श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के प्रधान सचिव कमलेश श्रीवास्तव एवं उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन ने कहा, किस तरह की बैठक की गई और क्या उद्देश्य है इस बैठक में? आज जो प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ लोगों ने भ्रांति और भ्रम फैलाने की कोशिश की थी संस्था में, तो एक केस हाई कोर्ट से जजमेंट हो गया है, तो हम लोग के पक्ष में और कार्य तो हम लोग निरंतर लगातार कर ही रहे हैं। अब कोई भ्रम और भ्रामक स्थिति ना फैल पाए, इसी के लिए प्रेस वार्ता आज आहूत की गई थी। और जिला कमेटी बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही है, कारागार में भी, कारागार से बाहर भी, उसकी विस्तृत जानकारी आपको श्री जैन साहब से उपलब्ध हो जाएगी। आज जिला अपराध निरोधक कमेटी गोरखपुर की इकाई के द्वारा यहाँ पर एक बैठक रखी गई है, और वो बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले कई सालों से कुछ लोगों ने जिला अपराध निरोधक कमेटी जो इस समय चल रही है और इसके खिलाफ जो है वो अपने को ये कहते हैं कि ये असली जिला अपराध निरोधक कमेटी के पदाधिकारी हम लोग हैं, जो आदरणीय हमारे कमलेश श्रीवास्तव जी जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, और यह सरकार द्वारा जो है इस कमेटी का गठन होता है और गवर्नर इसका मेन बॉडी होता है, उसी तरफ से होता है। तो यह कमेटी जेलों में विशेष रूप से जेल के अंदर कैदियों में जा कर के उनको प्रोत्साहित करना, उनको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना, और जेल में जो असुविधाएँ बहुत सी हैं वो सुविधाओं को मुहैया कराना इस कमेटी का मेन मुख्य उद्देश्य यही है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कमेटी सदैव निरंतर जेलों में जाकर के अच्छे अच्छे कार्य कर रही है। वहाँ पर बच्चों का भी पढ़ाने का एक सेंटर खोला हुआ है, छोटे बच्चों को वहाँ पढ़ा शिक्षित किया जाता है, महिलाओं को भी पढ़ाया लिखाया जाता है, और उसके साथ साथ जो कैदी हैं उन कैदियों को भी जो है ये होता है कि एक मीटिंग करके उनको भी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है, और उनकी सुख सुविधा के लिए जेलों में हम लोग कैंप भी लगाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने नेत्र शिविर लगाया था, दंत चिकित्सा का जो है वहाँ भी परीक्षण कराया गया था, जिसमें करीब करीब 150 से 200 पेशेंट जो है अलग अलग दोनों का उन्होंने निरीक्षण किया था। डॉक्टरों ने 8 लोगों की डॉक्टरों की टीम गई थी वहाँ पर। अभी गर्मियों में पेयजल का बहुत संकट था, तो वहाँ वाटर कूलर जो है वो लगवाया गया। उसके साथ साथ और भी सेवा कार्य जो है वहाँ पर होते रहते हैं। जिला अपराध निरोधक कमेटी अपने तरफ से करती रहती है, और साल में कई बार वहाँ जा करके
जो भी सुख सुविधाएं हैं, कंबल बांटना हुआ है और जो कार्य हुए उन कैदियों के बीच में करती रहती है। इसके साथ साथ समाज में और भी बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे कुष्ठाश्रम है, मूक बधिर स्कूल है, और भी एक अनाथ बच्चे जो थे, अनाथ के साथ साथ जो परिवारों में भी बच्चे रहते थे वो कूड़ा बीनते थे और वो दिन भर घूमते थे, उन बच्चों को मोटिवेट करके एक प्राइमरी स्कूल है बसंतपुर में, वहाँ पर उन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, दो टीचर रख करके उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कल्चरल प्रोग्राम बच्चे कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ के कई बच्चे नवल सेकेंडरी में, उन लोगों का जो अच्छे बच्चे थे वहाँ हम लोगों ने वहाँ पर एडमिशन कराया और वो बच्चे अच्छे मेरिट के संख्या में जो है प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से एक सेवा प्रकल्प जो है, हम लोग अभी कोरोना काल में भी अनाज वगैरह वितरित किया गया और सेवा कार्य किया गया। तो ऐसे ही है, जिला अपराध निरोधक कमेटी गोरखपुर की इकाई निरंतर हमारे सचिव डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव जी हैं, इंदल जी हैं और अचिंत लहरी जी हैं, कर्णकारी हैं, तमाम हमारे बहुत से लोग जो इस कमेटी के महत्वपूर्ण अंग हैं, उन लोगों के नेतृत्व में गोरखपुर की इकाई अच्छा कार्य कर रही है। मैं आज अब हम लोगों को जो कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें ही जो 22 जुलाई को आदेश आया और उसमें जो विजय हुई है, अब यह कमेटी खुल करके और अच्छा कार्य करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को यह सूचित करना चाहता हूँ कि यह कमेटी जन सेवा में आगे भी इसी तरह से और बढ़ चढ़ के कार्य करेगी। धन्यवाद।